दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत को मिली शर्मनाक शिकस्त तो इन सीनियर खिलाड़ियों पर गिरी है गुस्से की गाज। न्यूजीलैंड दौरे से दिखाया गया भारत का रास्ता, छीनी है रोहित की कप्तानी तो कभी नहीं खेलते दिखेंगे दिनेश कार्तिक। आखिर कौन से हैं वो दिग्गज खिलाड़ी जिनके करियर पर उठने लगे हैं सवाल, और क्या है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम, ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एक शर्मनाक शिकस्त हासिल हुई है जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी आगे आने वाले कई वर्षों तक नहीं भूलने वाला है। शान से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली भारतीय टीम का सफर इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से करारी हार के साथ ही खत्म हो गया, जिसके साथ ही कई बड़े खिलाड़ियों के करियर पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि विश्व कप के तुरंत बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के साथ 3 T20 और 3 ODI मैचों की 2 श्रृंखला खेलनी है, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टीम में सबसे बड़े बड़े जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जैसे रोहित और विराट के साथ साथ कई अन्य खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें भारत के लिए रवाना कर दिया गया, और उनके अलावा शेष बचे खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों पर विश्व कप के दौरान कई सवाल उठ चुके हैं, और अब जब भारत शर्मनाक तरीके से विश्व कप से बाहर हुआ है, रोहित शर्मा पर सबसे अधिक उंगलियां उठना तो लाजमी था, और ऐसा ही हो रहा है। कप्तान रोहित से ना सिर्फ उनकी कप्तानी छीनी गई बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, और वो भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे। इसके अलावा विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली को भी न्यूजीलैंड दौरे में आराम देने का फैसला किया गया, लेकिन इन दोनों के साथ केएल राहुल को भारतीय टीम से सीधे बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठे क्योंकि राहुल की फॉर्म पहले से ही बेहद खराब थी और विश्व कप में उनके प्रदर्शन ने सभी के मन में उनके लिए नफरत भर दी। ऐसे में BCCI ने राहुल को भी न्यूजीलैंड दौरे पर नहीं भेजा। दोस्तों, इन तीनों सीनियर खिलाड़ियों के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था, और शायद वो हमें दोबारा खेलते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि BCCI के ऑफिशियल सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम के पास में ऋषभ पंत और संजू सैमसन, ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ियों के होते हुए दिनेश कार्तिक को मौका नहीं मिलने वाला है। ऐसे में वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे से बाहर हो गए हैं, जिनके साथ ही टीम के सीनियर गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ साथ विश्व कप में भारत के स्पिन किंग रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल भी इन खिलाड़ियों के साथ भारत वापस आ गए हैं, जिनका T20 टीम में वापसी कर पाना अब लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, इन 7 खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के दौरे पर किसी न किसी बहाने से बाहर भेजा गया है, और इसके अलावा भारत के अन्य खिलाड़ी जो विश्व कप खेल रहे थे वो सभी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सरजमी पर होने वाले T20 और ODI श्रृंखला में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसमें T20 श्रृंखला में हार्दिक पांड्या पहली बार भारतीय टीम की कमान संभालते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, उन्हें बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के दौरे के लिए नियुक्त किया गया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि बतौर उप कप्तान इस दौरे पर ऋषभ पंत चयनित किए गए हैं। हालांकि वनडे सीरीज में भारत के बेहतरीन ओपनर्स में शुमार शिखर धवन एक बार फिर से टीम में वापसी कर रहे हैं, और वो 3 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम की कमान संभालते हुए हमें दिखाई देंगे। उनके अलावा इस श्रृंखला में बहुत सारे युवा खिलाड़ी जैसे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर और उनके अलावा भी बहुतों को मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।